यार दोस्तों, अभी मैंने बकरी का जो सौदा करा था कि मैंने भी जो अभी ये पिल्ले खरीदे हैं यार, इनसे मतलब बहुत अच्छी इनकम होती है। बैठो ना भाई, आप बैठो आराम से। ये देखो कितने अच्छे मेमने हैं, और अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये तो मेरे बहुत पैसे देते हैं यार दोस्त। और हम दोनों का प्रॉफिट है, तो एक बकरी अगर 10,000 तो हमारे पास में आएगी, पांच बकरियां तो 50,000 का सीधा सीधा है। सीधा सीधा और कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ इनको ले ले डोलना, ये तो ये खुद ही खा लेती है और खुद ही बच्चे दे देती है। तो देखो 12,000 की बकरी बेची है और आप मान नहीं सकते हो, मैं खुद मेरी आंखों से ये जो नोट है ये 5,000 रुपए की बकरी बेची है इन्होंने, और 15,000 तक की बकरी बक सकती है दोस्तों। और खिलाने किसमें कोई खर्चा पानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसको बस घुमाते रहो, ये खुद ही चर लेगी और ये खुद ही बैठ जाती है। और अभी जैसे आपको मालूम है भाजी, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो जो मतलब मांसाहारी लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं इनको, वो घनो फायदा हो तो। अच्छा, घर से भी ले जाते हैं, घर से भी ले जाओगे? अच्छा, और वहाँ बाजार भी ले जाओ, घर से ले जाओ। तो अगर बकरी इनको बेचना होगा तो कहाँ बेचे? बाजार में चल जाओ, अटवाड़ा में चल जाए। तो यार ये जो अपने आज नए वीडियो के साथ में मिस्टर मीना, थोड़ा तेज चल भाई, पूरी वीडियो ले अपनी बकरियों की। दोस्तों बकरियां, बकरी पालन के बारे में आज मैं बता रहा हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी है किसान भाइयों के लिए और बेरोजगार साथियों के लिए, जो बैठे बैठे अपन टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बेस्ट है कि यार अपन बकरी ले लो। और ये जो मेरे भाई हैं, अभी तुम्हारे क्या नाम है? शंकर लाल। इनका नाम शंकर लाल है, और ये देख रहे हैं कि यार ये जो अभी मतलब ये जो बकरे हैं इनका बहुत गजब का प्रॉफिट है। एक बकरी एक साल में अभी से थोड़ा सा रोको। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि यार एक बकरी एक साल में कितने बार ये बच्चे देती है? दो बार। ये दो बार बकरे दे देती है, बकरे या बकरी दे देते हैं। अगर बकरी हो जाती है तो आपकी और संख्या बढ़ जाती है, और बकरे लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में बक जाते हैं। तो दोस्तों मैंने भी यार अभी ये 2-3 बकरियां ली है, और ये भाई शंकर लाल जी अपनी बकरियों को ये चराएंगे, तो मैं इनके बोल रहा हूँ यार कोई सुवाड़े वाड़े मत खुवा दीजिए हमारी बकरियां। नहीं यार, नहीं खिलाऊंगा भाई साहब, नहीं खिलाऊंगा। ये गाँव वाले देख रहे हैं कि यार ये आज क्या बकरियों का सौदा उदा कर रहे हैं। तो ये जो बकरी आप देख सकते हैं, इसमें फायदा ही फायदा है, और अभी चुनाव वोटरी का मौसम है तो सब बकरी की सब्जी खाते हैं, बकरे की बहुत अच्छे भाव में बिकते हैं, बहुत अच्छे भाव में बिकते हैं। हाँ, इससे काफी अच्छी इनकम हो जाती है बकरी पालन, और धीरे धीरे पूरा बैकग्राउंड भी ले लेना। तो दोस्तों यार ये तो मेरी जिंदगी का पड़ा हो, तो मैंने सोचा यार क्यों है नया धंधा है ये बकरी पालन का, तो इसमें बहुत बढ़िया जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, और लगभग एक बकरी से हमें एक साल में 10,000 की इनकम हो जाती है। और अब जैसा इस भाई के पास में अभी ये मैं बोल रहा हूँ, दो बकरी मन पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं, तो ये दो बकरी अपनी चराएगा बंदा, और जो भी किराया भाड़ा होगा वो मैं इनको दूंगा, और हम दोनों का प्रॉफिट है। तो एक बकरी अगर 10,000 की तो हमारे पास में आएगी, पांच बकरियां तो 50,000 का सीधा सीधा है। सीधा सीधा और कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ इनको ले ले डोलना, ये तो ये खुद ही खा लेती है और खुद ही बच्चे दे देती है। तो दोस्तों, और ये जो मेरे भाई है, एक ये भी छोटा भाई, छोटू लाल जी है भाई, इनके भी बकरी है। छोटू लाल जी, ये धंधा कैसा लगेगा यार? बहुत अच्छा। मैं इनके साथ में थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आ जा। तो ये जो हमारा जो नया बिजनेस है दोस्तों, आपकी कैसा रहेगा यार? मैंने इनको बोला कि जो बकरी खरीदी है, देखते हैं बकरी से कितना फायदा होता है। दोस्तों जो बकरी से जो फायदा होगा वो हम जो है बिल्कुल आपको पार्टी देंगे उस बकरी के फायदे की। फिलहाल हमने आज ये नया सौदा तैयार किया है बकरी वाला, तो बहुत अच्छा लगेगा बकरी का लेने वाला। बेरोजगार साथी है भाई, है ये भी हमारे यहाँ का, ये ट्रैक्टर चलाते हैं। मैंने नया बिजनेस शुरू किया बकरी पालन का, भाई मैंने बकरी फिलहाल ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, यार ये बंदा जो ट्रैक्टर चलाता है, लेकिन हम लोग इतना फायदा नहीं है जितनी बकरी पालन है। बगाड़ दिया भाई।
तो दोस्तों आज की बकरी का जो हमारा जो सौदा था वो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। और दोस्तों यार आप भी लगा सर, आप भी मतलब अगर ठाणे नहीं बैठे रहे और यही गुजारिश है आपसे कि आप कुछ ना कुछ करते रहे, बैठे से बेगार वाली वो वाली कहावत है दोस्तों। तो मैंने तो देखो अभी इस अभी लॉकडाउन वाली स्थिति में लोगों की काफी गरीब स्थिति हो रही है, तो मतलब अपन कोई भी भेड़ पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं। और सभी किसान भाइयों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और खुद जो बकरी वाले भाई साहब वो बोल रहे हैं कि मुझे सालाना इनसे 50-60 हज़ार की इनकम हो जाती है और कुछ भी खर्चा पानी नहीं है, ना पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं है, आराम से केवल कमाई कमाई का काम है। और ये बात ये खुद नहीं कह रहे हैं, हमारे दूसरे किसान छोटू लाल जी है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, ये भी बोल रहे हैं कि भाई बकरी पालन में बहुत अच्छा बहुत अच्छा धंधा है, बहुत लाभ। इधर से बैठो बाबू जी। यार दोस्तों अभी मैंने बकरी का जो सौदा करा था कि मैंने भी जो अभी ये पिल्ले खरीदे हैं यार, इनसे मतलब बहुत अच्छी इनकम होती है। बैठो ना बाबू जी, आप बैठो आराम से। ये देखो कितने अच्छे मेमने, और अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये तो मेरे बहुत पैसे देते हैं यार। दोस्तों मैंने इसकी यकीन भी नहीं, बिल्कुल क्लोज से बढ़िया फोटो आना चाहिए मेरा, तो अब अच्छा लग रहा होगा आपको भी कि अब मैं आपको रूबरू करा देता हूँ जो जो ये बकरी पालन करते हैं हमारे गांव में। मैठून के श्री मथुरा लाल जी मीणा है, तो इनके पास में भैंसे भी हैं, आप देख सकते हैं इस बाड़े में बहुत सारी भैंसे हैं और ये दूध वूध का भी काम करते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ इसका जो किसान की लाइफ में जो बकरी पालन का जो व्यवसाय है आज की तारीख में, तो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था और आप मेरी मत मानिए, क्योंकि मैंने तो अभी देखो आज ही सौदा किया बकरियों का, क्योंकि मैं भी खरीदूंगा और ये बाबू जी चराएंगे अपनी बकरियों को भी, जो भी कमीशन होगा वो अपन को देंगे और जो होगा वो सही तो बात। लेकिन अब आप फायदा कितना होता है, तो बाबू जी एक बकरी कितने बच्चे देती है 12 महीने में? एक बकरी 2 बच्चा देती है 12 महीने में, 4 देती है, 2-2 देती है। अच्छा 12 महीना। तो दोस्तों एक बकरी 4 बच्चे भी दे सकती है अगर बढ़िया खिलाई पिलाई करे और नस्ल वाली। तो फिलहाल हमारे पास में ये जो बकरियां देख रहे हो आप, ये 2 बच्चे वाली, ये 2 बच्चे इस बकरी के। और आपके ये दूध कितना दे देती है भाजी? एक किलो दूध दे देती है, आप देख सकते हैं। 1.5 किलो भी दे सकती है, 1.5 किलो। ये दोनों बच्चे इस बकरी के हैं और ये मालिक है मथुरा लाल जी मीणा, चराने वाला तो। और चराने वाले हैं। और भाव जी आपको लगभग इन बकरी आपने पूरी बकरियां कितनी है आपके पास? बाहर तो 4-5 खोज, 4-5 खोज है। मान लो राइस राय बनाना वो ना, तो अभी ये बकरी आज ही बेची आपने, तो ये कितने रुपए में बेची थी? 5,000 की दे दी, 12 की भी दे दी। देखो 12,000 की बकरी बेची है और आप मान नहीं सकते हो, मैं खुद मेरी आंखों से ये जो नोट है ये 5,000 रुपए की बकरी बेची है इन्होंने, और 15,000 तक की बकरी बक सकती है दोस्तों। और खिलाने इसमें कोई खर्चा पानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसको बस घुमाते रहो ये खुद ही चर लेगी और ये खुद ही बैठ जाती है। और अभी जैसे आपको मालूम है बाबूजी, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो जो मतलब मांसाहारी लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं इनको, वो घनो फायदा हो तो। अच्छा घर से भी ले जाते हैं, खरीद घर से भी ले जाओ। अच्छा और वहाँ बाजार भी ले जाओ, घर से ले जाओ। तो अगर बकरी इनको बेचना होगा तो कहाँ बेचे? बाजार में चल जाओ, अटवाड़ा में चल जाओ, लगे जहाँ बक जाओ तो। अच्छा तो दोस्तों कैसा लगा यार आपको ये जो जानकारी, आप देख सकते हैं ये चूज करना आपके पास में, ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं बकरी पालन के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मछली पालन भी कर सकते हैं, भेड़ पालन भी कर सकते हैं, भैंस पालन कर सकते हैं, गाय का वो कर सकते हैं। कुल मिला के बात है कि बैठे से बेगार भली, तो आप जो भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा कि यार इसमें काफी प्रॉफिट है, लेकिन इसमें मेहनत की जरूरत है, मेहनत सब कुछ होती है, मेहनत हर चीज में होती है, तो इसमें भी थोड़ी सी चराने की मेहनत होगी, इनकी केयर करने की, बीमारी हो जाए तो इनका रख रखाव होगी, तो उस तरीके से। तो यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफी है, और तब तक के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये जो घर है तो ये इन बाबूजी का है, आप मिल सकते हो, और जानकारी लेना चाहे तो आप मैठून में आकर के इन बाबूजी से ले लो, हाँ नंबर ले सकते हैं, फोन नंबर ले सकते हैं, पूरा मकान है। अब मेरे एक फोटो खींचना भैया इसके साथ में, कहाँ पे लगाएंगे इसको, हटाओ एक मिनट पकड़ो लाओ ये उसमें फोटो पे करो उसको, फोटो पे कर दिया, तो अब मेरी फोटो खींची।